दोस्तों मार्केट में जितने सारे स्मार्टफोन कॉम्पिटिटर्स जैसे भी प्राइस के हिसाब से लॉन्च कर रहे स्मार्टफोन्स पर भारत में सबसे ज्यादा बिकने वाला स्मार्टफोन Xiaomi आप कह सकते हो, क्योंकि इनकी जो दो सीरीज है जो सबसे ज्यादा बिकी जाती है, एक Redmi Note सीरीज और एक MIA सीरीज, सबसे ज्यादा बिकने वाले स्मार्टफोन में ये दो स्मार्टफोन हमेशा लिस्टिंग में आ ही जाते हैं। दोस्तों इस बार जो Nokia फ्यूचरिस्टिक स्मार्टफोन जो लाने वाला है MIA 4 सीरीज के नाम से लाने वाला है और इसके एक्सपेरिमेंटल स्मार्टफोन आप कह सकते हो। इसमें ड्यूअल डिस्प्ले स्मार्टफोन होगी और बैक साइड में 4 से 5 कैमरा देखने के लिए मिल जाएंगे। एक कॉन्सेप्ट इसकी वीडियो आपको इस वीडियो में पेश किया जा रहा है। दोस्तों पिच स्क्रीन की अगर बात करें तो 2 इंच की स्क्रीन होगी और फुल स्क्रीन की बात करें 7 इंच की फुल्ली HD प्लस सुपर AMOLED इन्फिनिटी क्यू 120Hz वाला रिफ्रेश रेट के साथ स्मार्टफोन आने वाला है, जो कि गेमिंग के लिए बेहतरीन स्क्रीन और एक काफी अल्टरनेटिव टच स्क्रीन आपको लाकर ये स्मार्टफोन दे देगा। 7000mAh की एक 1500 परफॉर्मेंस बैटरी स्मार्टफोन में मिल सकता है। साथ ही इसको चार्ज करने के लिए 60W के अल्ट्रा फास्ट सपोर्ट दिया गया है, तो मेरे हिसाब से ये स्मार्टफोन कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग जबरदस्त होने वाला है। जिसके साथ साथ एक कहा जा रही अननोन पेन भी आ सकता है, जिसका नाम यस पेन हम शायद अभी के लिए कह सकते हैं, और इसके अंदर एक कैमरा डिजाइन भी आप देख सकते हो। फ्रंट सेल्फी कैमरा की बात करें तो लगभग 16 मेगापिक्सल की पंच होल सेल्फी कैमरा होने वाला है। बैक साइड में 600 मेगापिक्सल की DSLR सेल्फी कैमरा होगी और इसमें कहा जा रहा है 200x जूमिंग कैपेसिटी होने वाली है। ओवरऑल दोस्तों ये स्मार्टफोन 2 वेरिएंट के साथ शायद लॉन्च हो सकता है। ओप्पो का 4GB रैम और एक होगा 6GB रैम। 4GB रैम के ऊपर 64GB होगा तो 6GB रैम के ऊपर 128GB इंटरनल स्टोरेज दिया जा सकता है। तो इसमें प्रोसेसर कहा जा रहा है कि Dimensity वाला एक गेमिंग 5G वेरिएंट वाला और एक 1500 परफॉर्मेंस देने वाला प्रोसेसर हो सकता है, पर आने वाले दिनों में हमको एग्जैक्ट पता चल सकता है। तो अगर वीडियो आपको पसंद आया तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करना ना भूलिए।